छावनी परिषद ने पूरे शहर में लाखों रुपए की लागत से पेंटिंग्स बनवाई है, लेकिन इन पेंटिंग्स की खूबसूरती पर या तो कपड़े सूख रहे हैं या फिर इन पेंटिंग्स के आगे वाहन पार्क किए जा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी में शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए छावनी परिषद लगातार जतन कर रहा है, लेकिन कुछ नागरिक हैं कि इसे खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। परिषद ने दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी करवाई, लेकिन इनके सामने क्षेत्र के रहवासी रस्सी बांध कर कपड़े सुखा रहे हैं या फिर भंगार वाहन खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, छावनी परिषद के अस्पताल के सामने ही लोगों ने पेंटिंग्स के आगे ही वाहन पार्क कर दिए हैं, जिससे परिषद और कलाकारों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। महू से अंजीत मोनू बाथम की खबर। देखिए, आपको बता दूं, शहर में लाखों रुपए की लागत से छावनी परिषद द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए तमाम जगहों पे पेंटिंग करवाई जा रही है, लेकिन आपको मेरे पीछे दिखाना चाहूँगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कैंटवुड के अस्पताल के सामने। आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में पेंटिंगों के भारी जो है वाहन चालकों ने कार पार्क कर दी है, जो कि इस खूबसूरत पेंटिंग के ऊपर एक धब्बा बनती नजर आ रही है। उसी के साथ अगर बात कर ले तमाम शहर में जहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, तो वहाँ पे कई महिलाएं जो है कपड़े भी सुखाते हुए नजर आ रही है। उन पेंटिंगों के ऊपर कपड़े सुखा दिए है, वहाँ पे पूरी रस्सी बांध दी है। उसके बाद जब कैंटोनमेंट ने लाखों रुपये इन पेंटिंगों पे खर्चा करा है, तो कैंटोनमेंट अब आगे इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही, ताकि इतने लाखों रुपए जब कैंटोनमेंट ने पेंटिंग बनाने में लगाए, उसके बावजूद भी ये पार्किंग और कपड़े सुखाए जा रहे हैं, जो कि मऊ की सुंदरता के ऊपर एक दाग लगाते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजीत मोनू बाथम, रेड टीवी मऊ।